अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज हम इंशाल्लाह बना रहे हैं नमकीन रोश। बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत आसान है। तो हमने सब्ज़ी ली है, सब्ज़ी को सबसे पहले हमने धोना है। ये तीन पीस हमने आलू के लिए हैं, तीन आलू के पीस हैं, पाँच छः पीस टमाटर के हैं और ये तीन जो हैं लहसुन हैं और कुछ जो है हमने ये सब्ज़ मिर्च ली है। सबसे पहले हमने इनको धो लेना है, अच्छे तरीके से धोना है, क्योंकि आलू जो है उनका जो छिलका है वो उतारते नहीं, इस तरह ही डालते हैं इनको। तो अच्छे तरीके से पहले हम सब्ज़ी को धो लेंगे। तो हमने गोश्त लिया है, चर्बी वाला गोश्त है, ठीक है, चर्बी वाला गोश्त लेना है। पहले हम सबसे पहले अच्छी तरह धो लेंगे, किसी किस्म की कोई मैल जो है गोश्त में रहे। अभी हम ऑयल जो है दस्ते के ऊपर लगाएंगे बर्तन के ऊपर। इससे ये होता है कि जो लकड़ियों की आग होती है धुएं से ये काला नहीं होता, काला हो भी जाए तो इसकी सफाई जो है वो काफ़ी आसान होती है। तो सबसे पहले जो है एक पूरे पतीले के ऊपर हमने ये आयल लगा लेना अच्छे तरीके से, कोई भी जगह जो है इसकी जो खाली ना रहे आयल से। सबसे पहले जो चर्बी वाला गोश्त है ये इस तरह, ये मुकम्मल जो है इसके जो साइडें जो है वो आपने खाली छोड़नी है, सेंटर के अंदर आपने गोश्त वगैरह रखना है। ये चर्बी वाला गोश्त आपने साथ रख लेना है। इसके बाद हम आलू जो है चक्कर से दो पीस कर लेंगे। प्याज़ों का जो छिलका है वो उतार लेना है, छोटे पीस नहीं करने, ये पूरा का पूरा प्याज जो है इसके अंदर जाएगा। तकरीबन दो गिलास जो है पानी के शामिल करेंगे। डेढ़ चम्मच के करीब नमक है। अब इसमें काली मिर्च जो है वो शामिल करेंगे। आप टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, तकरीबन एक चम्मच इसके अंदर। अभी लबाई के लिए जो आटा है वो गूंद लेना है। अच्छे तरीके से आटा जो है उसको लगाना है ताकि कुछ जगह खाली ना रहे, उनसे रवा है स्टीम जो है वो बेहतर निकल सके।
अभी इसको हमने कर देना पैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग जो है वो जल चुकी है सिंक पर, तो अभी हम इसका जो है वो आग के ऊपर रखेंगे। अभी 5 मिनट तक हमने इसको तेज आंच पर रखना है और उसके बाद फिर जो आग है थोड़ी सी कम कर देनी है और ऊपर हम जो है ये वेट रख रहे हैं। हमारे पास लंगड़ी है, आपके पास कोई भी वेट हो तो ऊपर रख सकते हैं। 5 मिनट जो है गुजर चुके हैं। अभी यहाँ से लीकेज हो रही है, इधर से हमने आटा लगा के बंद कर देनी है। अभी आग जो है हमने कम कर देनी है। अभी हल्की आग के ऊपर तकरीबन 1.5 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। आमिर भाई, खाना तो हमारा तैयार होने वाला है, तो हमने तो बनाया आग पे पहले। अभी तो हमारे पास आग ही है, गैस घरों में किसी के पास गैस मौजूद है, और पहले ज़माने में तो लोग बनाते थे लकड़ियों की आग पे। तो अभी आप क्या मुआवजा करते हैं पुराने खाने जो बनते थे उनमें और अभी जो गैस पे बनते हैं उनमें? आजम भरा गल पुरानी है तो गल फिर पंजाबी जोड़ी चाहिए है। बिल्कुल बिल्कुल, तुम जिस तरह मुनासिब समझो। आजकल ये जनानियाँ हो गई ना वो बड़िया नखरे वाली अत काले हो गए, मेरे को अग नहीं लाई जानी, मेरे अखियाँ जो पानी आ रहा है ये हो गया, देश का काला जो ने साफ कौन कर सी। बिल्कुल, ते उना अको दुनिया का लाओ वो दुनिया का लाड़े जो माशाल्लाह जड़ा ना बिल्कुल एक नंबर थे, ठीक है ना। वो आगे इतने बैठी आई नहीं पैने ए हो गया, आई नहीं पैने हो गया, दुई को जाके ओ तो पता है वो पैणू ऐ कर देता है। इस काम से तेज है खाना तो पकानी है पहले वाली जरा माशाल्लाह। मगरब ने अजान होनी आई, नमाज पढ़ के आओ, खाना बिल्कुल रेडी, पकाने लकड़ी नहीं अगते, अंगीठी होनी है, लकड़ी नहीं अग होनी है, कोयले होने है, खाने ना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का जायका होने या मज़ा आ जाने। हूँ गैस आ गई है, माचिस लाई गैस से फौरन आया जी, टक 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 खाओ जी, मैं दे रहा सत्यानाश हो के रह गए। खाने दे रहे सर, चूहे जो है उन्होंने रेस लगाई हुई है, चूहे कह रहे जीत मेरी बोटी कासा। मैं इंशाल्लाह हमारा मिशन है इसको हम बाहर निकाल के रहेंगे। कितना इतना बड़ा इधर टेबल तक पहले भी निकला हुआ है, अभी थोड़ा सा अंदर किया है, वही नहीं निकालना इंशाल्लाह। सर जी जल्दी करें ना जनाब, बस आग में पकाना है। अगर तो होती औरतों वाली आग तो पक चुका होता, ये तो लकड़ियों वाली आग है तो टाइम तो लगेगा। आप सब तीन जो नाराज बिल्कुल भी ना हो, ये सिर्फ एक शुगर मेले के लिए हमने बात की है, ऐसा है नहीं है। आजम भाई को, आजम भाई को डर लग गया कि मेरे घर भी जा रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो माशाल्लाह खवातीन को बेहतर पता है कि वो ये काम करते नहीं करते, मैं सिर्फ मजाक मजाक कर रहे हैं, शुगर मेले के लिए कह रहे हैं। ये इसलिए कह रहे हैं ना, वापस घर भी जाना है ना, लाजी बात है, किसी का घर होता है घर जाते हैं, वहाँ पर खवातीन तो होती है, ठीक है, तो खवातीन बेहतर समझती है कि वो कौन सी आग लगा सकती है। हम तो मजाक के तौर पर बात कर रहे थे। नहीं नहीं, इसमें मजाक भी है और हकीकत भी है, आग लगाने में आप कहते हैं मैं घर ना जाऊं, वो मायर है बिल्कुल। ये वीडियो आपकी जगह में भी देखनी है, ख्याल रखना। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, वो दरवाजे कुछ नहीं लगे, बुकेंगे निकल पाए घर नहीं आना। ये तो घर जाएगा तो फिर पता चलेगा, खाना तो खाया हुआ है रात के योर से ही, आज सुबह नाश्ता क्या करेंगे? चले कोई देखे कोई ढाबा शाबा फिर आज भाई के पास अच्छा लगा बनाकर देंगे आपको नाश्ता, लच्छा पराठा। हाँ बिल्कुल सर, वो भी आपके वीडियो हमारी जो है ना वो लगी हुई है, अपने बाद हम गए थे तो उसको भी आपने लाजमी देखना है, देखेंगे तब जब चैनल सब्सक्राइब होगा इंशाल्लाह, और जो बेल आइकन है ना उसको लाजमी क्लिक करना है ताकि हमारी जो नई वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते रहें। खाना हमारा रेडी हो चुका है, अभी हम इसको उतारते हैं और लेकर चलते हैं ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो नमकीन रोश है ये तैयार हुआ है। इसके अंदर जो आपको दिखाते हैं कि गोश्त का जो है
कितना बेहतरीन किस्म का गोश्त जो है वो तैयार हो। ये देखें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपर माशाल्लाह जी, खाना हमारा बहुत जबरदस्त तैयार हुआ है। अभी हम खाना खाते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।